जय हिंद दोस्तों। इस वर्ष पीपीओ आ चुके हैं, ओआरओपी 3 के जो करेक्टेंडर पीपीओ हैं, इनको कैसे डाउनलोड करें। 4 महीने से स्पर्श ऐप बंद चल रहा है, तो लॉगिन कैसे करें और अपना पीपीओ, जो करेक्टेंडर पीपीओ है, नया पीपीओ जारी हुआ है, इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर जिसका पीपीओ नहीं आया है तो वो खुद जनरेट कैसे करेंगे अपना पीपीओ, इस पर बात करेंगे। तो 3 बड़ी अपडेट इसमें बताएंगे कि पीपीओ अपना कैसे जनरेट करें अगर आपका पीपीओ नहीं आया है, या मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपका ऐप चल नहीं रहा है, तो उसको कैसे हम दूसरी जगह प्रोसीजर से कैसे डाउनलोड करेंगे। और स्पर्श पीपीओ डाउनलोड करने के बाद अगर आपका पीपीओ आ गया है तो डाउनलोड कर लेंगे, नहीं आया है तो क्या तरीका है। तो तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बता दूं कि स्पर्श पीपीओ डाउनलोड करने के लिए एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन स्पर्श का, जो कि काफी दिनों से बंद चल रहा है, यानी कि वो डिसेबल चल रहा है। जो डिसेबल चल रहा है तो उसकी वजह से आप अपना लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका है लॉगिन करने का, जैसे ये स्पर्श का ऐप है, इसको अगर क्लिक कर रहे होंगे आप लोग तो ये ऐसा शो कर रहा है, स्पर्श साइट इज अंडर मेंटेनेंस एंड वी विल कम ऑनलाइन सून। सॉरी फॉर, जो भी इसमें ऑनलाइन आने के लिए इसमें बोल रहा है कि मेंटेनेंस चल रहा है, तो हम जल्द ही ऑनलाइन आ जाएंगे, इसमें काम चल रहा है। तो ये अभी बंद चल रहा है और ये काफी दिनों से ऐसे है, तो कोई घबराने की बात नहीं। दूसरा तरीका है, अगर आपका मोबाइल ऐप नहीं काम कर रहा है तो आपको दूसरे तरीके से स्पर्श में लॉग इन होने का तरीका है, और वो है गूगल में जाकर आपको सर्च करना है स्पर्श पीसीडीए। गूगल में आप स्पर्श पीसीडीए जब सर्च करेंगे, जैसे इसको टाइप करेंगे स्पर्श पीसीडीए गूगल में, तो आपका ये पेज खुलेगा। इस पेज में आप देखेंगे पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है स्पर्श, और HTTP स्पर्श डॉट डिफेंस पेंशन डॉट जीओवी डॉट इन, इस पर क्लिक करके आप लॉग इन हो सकते हैं। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये स्पर्श का पेज खुल गया है, और इस पेज में एक साइड में आप देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो इसमें लॉगिन करके आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन हो सकते हैं। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ये ऑप्शन आ गया। सबसे पहले अपना यूजर आईडी डालना है, इसके बाद पासवर्ड डालना है, जो आपने लॉगिन करते थे ऐप में वही आपको यूजर आईडी पासवर्ड डाल के इसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इस जगह फिल करेंगे। अगर आप अपना यूजर आईडी या पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करके भी आप अपना फिर से लॉगिन हो सकते हैं। तो ये तरीके हैं 3। तो इसमें सबसे पहले तो यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन करेंगे, इसके बाद पीपीओ आ गया है तो डाउनलोड करें, नहीं आया है तो जनरेट कैसे करेंगे ये आपको बताएंगे। तो मैं सारी चीज डाल के इसको लॉगिन करता हूँ, जो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड है सारा मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने देखो लॉगिन कर दिया है, और ये यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन हो जाएंगे, तब ऐसा पेज खुलेगा। इसमें साइड में आप देखेंगे, इस साइड में माई डॉक्यूमेंट एक ऑप्शन दिया होगा, माई डॉक्यूमेंट में जब क्लिक करेंगे तो ये 6 7 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, पेंशन स्लिप, पेंशनर्स पीपीओ, पेंशनर्स करेक्टेंडर पीपीओ, और पेंशन इंटाइटलमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म 16। तो बीच वाला एक ऑप्शन है पेंशन पेंशनर्स करेक्टेंडर पीपीओ, इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पीपीओ आ चुका होगा। अगर पीपीओ आ गया है तो इसमें क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, अगर नहीं आया है तो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या करना है। पहले तो मैं ये पीपीओ डाउनलोड करके आपको दिखाता हूं कि कितनी बढ़ोतरी हुई है। एक नायक जो सिपाही हैं, जो सिपाही रैंक से हैं, एसीपी नायक इनको मिला हुआ है, इनकी जो पेंशन है वो कितनी बढ़ोतरी हुई है, और ये 15 अप्रैल 2002 में भर्ती हुए थे, 31 जुलाई 2018 में ये रिटायर हो गए हैं, यानी 2018 के रिटायरीज हैं, और इनकी जो पेंशन क्वालिफाइंग सर्विस है 16 साल 3 महीने 16 दिन। तो इन्होंने 16 साल सर्विस की है, पूरी जो इनकी कलर सर्विस है वो पूरी सर्विस इन्होंने की है। पे लेवल 4 की इनको सैलरी मिल रही, लेकिन ओआरओपी 3 में कितनी बढ़ोतरी हुई है आपको मैं दिखा देता हूं। इनकी जो ओआरओपी 3 में पेंशन हो गई है 21,488 रुपए अब हो गई है, पहले इनकी 20,107 रुपए थी, यानी कि 1 जुलाई 2024 से ये इफेक्टेड है, 1 जुलाई 2024 से अब इनकी जो पेंशन है 21,488 रुपए हो गई है। एसीपी नायक है, सिपाही से एसीपी नायक। तो इस तरह से अपना आप देख सकते हैं।
अब मैं एक और पीपीओ आपको दिखाता हूं, जो कि सूबेदार मेजर जिनको ऑनरी लेफ्टिनेंट मिली हुई है, उनकी 46,300 बेसिक हो चुकी है, पहले ये 43,000 थी, यानी कि 3,300 की बढ़ोतरी हुई है। अभी सभी लोगों के पीपीओ नहीं आए हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा 27 तारीख तक, 27 सितंबर तक सारे के पीपीओ आ जाएंगे, क्योंकि ये काम चल रहा है और लगातार इस पर जल्द से जल्द काम हो जाए, इसलिए पीपीओ सबके आ रहे हैं। कई पेंशनर्स को अभी आए हैं, लेकिन मैक्सिमम पेंशनर्स के अभी पीपीओ नहीं आए हैं। अगर आपका पीपीओ नहीं आया है तो आपको क्या करना है, जैसे कि मेरा पीपीओ नहीं आया था, तो मैंने देखा कि अपना लॉगिन करके देखा पेंशनर्स करेक्ट जेंडर पीपीओ, जब मैं लॉगिन कर रहा था तो मेरा इसमें नो डाटा अवेलेबल आ रहा था। अगर आपका भी ऐसे नो डाटा अवेलेबल आता है तो आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ग्रीवेंस का एक ऑप्शन इधर राइट साइड में देख रहे होंगे, ग्रीवेंस का ऑप्शन है, अपना पीपीओ खुद जनरेट कर सकते हैं। ग्रीवेंस में क्लिक करेंगे और ग्रीवेंस में ग्रीवेंस डालेंगे कि मेरा करेक्ट जेंडर पीपीओ ओआरओपी 3 का नहीं आया है। आप रोमन में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो उसमें ग्रीवेंस डालने के बाद आपको 4-5 दिन में ये करेक्ट जेंडर पीपीओ आ जाएगा, लेकिन उन्हीं का आएगा जिनको ओआरओपी 3 का बेनिफिट मिला है, यानी कि ओआरओपी 3 में जिनकी पेंशन बढ़ी है, जिनकी ऑलरेडी उससे ज्यादा पेंशन आ रही उनको करेक्ट जेंडर पीपीओ नहीं जारी होगा। जैसे कि मैंने जब स्पर्श में बात की तो उन्होंने कहा कि आपको ओआरओपी 3 में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसलिए आपका करेक्ट जेंडर पीपीओ नहीं जारी होगा। तो ऐसे पेंशनर जिनको ओआरओपी 3 में बढ़ोतरी नहीं हुई उनका पीपीओ नहीं जारी होगा, और जिनकी बढ़ोतरी हो गई है तो अगर उनका पीपीओ आ गया है तो डाउनलोड करें, नहीं आया है तो आपको ग्रीवेंस में क्लिक करके एक कंप्लेंट डाल देनी है, जिसके बाद आपको 5-6 दिन बाद आपकी जो पीपीओ है करेक्ट जेंडर पीपीओ आ जाएगा। तो इस तरह से आप जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी 27 तारीख तक इंतजार करें, क्योंकि पीसीडी ने कहा है कि 26-27 तारीख तक हम पूरे सारे के पीपीओ एक साथ डाल देंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। तो अभी 5-6 दिन है, तब तक इंतजार करें, उसके बाद अगर नहीं आता है तो आप ग्रीवेंस में क्लिक करके अपनी एक ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।